गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी बड़ी मम्मी क्या है कथा, क्योंकि उनको गणपति जी को बिठाए 5 साल हो गए हैं, तो ये मैं जाऊँगी उनके यहाँ कथा में। उसके पहले मैं आपको मेरे यहाँ गणपति जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये है भगवान का भोग, साबूदाना, दही और मोदक मम्मी ने बनाए थे। ये हमारे क्यूट से गणपति जी। समय व्यतीत करें इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः तुमका पूजन प्रतिष्ठ के करने से मन से सब दुखों से मुक्त होता है। अपने ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उस व्रत को करूँगा, ऐसा निश्चय करने पर उसे रात में भगवान में भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम वाजवे स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और थोड़ा सा पीछे हो जाए, सब लोग लेते जाएंगे, जिसको करना है सब लोग करते जाएंगे, और चाहे आप लोग पास पास में आ जाइए। अभियान स्वाहा, जब कोई मंडल नहीं होता, जो चार खंभे बांधे जाते हैं ना, इसका मंडल मतलब होता है मंडल बनाना, स्तंभारोपण इसको कहते हैं। अभी नागपुर में ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, हम यहाँ से नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम वृंदावन से हैं। तो यज्ञ में अथवा पूर्वधिज्ञ या पूज्य पूजक मध्यता, जो हमारे पूज्य होते हैं, मतलब पूज्य हमारे भगवान हो गए, वो हमारा पूर्व होता है। मतलब हम किसी भी, जब 10 लोग बैठते तो कैसे बैठते हैं, ऐसे ही। श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा। विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते हैं और आपके पुत्र शंकर भगवान को मानने लगे, तो ये मतलब स्वतः चयन का वो होता है। इष्ट देवता का मतलब होता है कि हमको जो पसंद है हम उनको माने, तो जो जिनको पसंद है उनके नाम से 5-5 आहुति देंगे और कुल देवी के नाम से भी 5 आहुति देंगे। ओम कुल देवी लक्ष्मी नारायण एक बार लीजिए तो एक बार में ही छोड़िए, जैसे भोजन कराते हैं ना तो हाथ में लेकर के आधा खा ले। ओम श्री मंगल महागणाधिपते स्वाहा, लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा। सती पान मत छोड़िएगा, स्वाहा। घी डालिए, पान रख दीजिए। चढ़े मेवा लड़वन का भोग लगे, संत करे सेवा अंधन को आँख दे, दूढ़न को काश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय जी।
तथा पेश श्लोको विजीतो मृदा प्रवेशारो मृतस्यावसन गृहे आवीक्षितस्य कामप्रिय विश्वे देवा सभागता ओम विश्वदस्य क्षुर्द विश्वतो मानिज पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोगों का व्रत है क्या? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो में पंडित की कुछ बातें बताई हुई पसंद आई होंगी तो मेरे वीडियो को प्लीज़